और बस आज फाइनली आई गेस मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर एम्प्लॉयर को कदर नहीं है ना एम्प्लॉय की, मुझे घंटे इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में काम करने का। ये रही मेरी रेजिग्नेशन। तो भाई ये तो है कि वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 31st of July और भाई अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं कल 11 बजे सोया था, 9 बजे उठाऊँ मतलब वही 10 घंटे सोया। और भाई मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं रात को सो लिया और मेरा नाइट शेड्यूल उम्मीद है ठीक हो जाएगा रात को मैं फिर से सो गया जल्दी। तो यही है। और अभी मेरी 12:30 क्लास है मैथ्स की, तो 11 बजे निकलना है। तो अभी मतलब 9:30 हो रहे हैं, तो आराम से अपना तैयार त्यार होते हैं भाई, सुबह कॉलेज निकलते हैं। तो सही में बहुत अच्छा लग रहा है भाई, नाइट शेड्यूल सेट हो गया। और यार मेरे को लग रहा है अपना गद्दा बदलना पड़ेगा भाई, मतलब बहुत टाइम से मैं सोच ही रहा हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है, मेरी बैक में इसी दिक्कत आ रही है क्योंकि यार इस पे 10-11 घंटे सो लो ना, उसके बाद यार बैक हद से ज़्यादा दुखती है। अभी मेरी ना बैक अकड़ रखी है बिल्कुल ही, तो ये गद्दा ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, नया लेना पड़ेगा मतलब। तो देखता है वो भी कहाँ से कब लेना है। तो चलो पहले तैयार होते हैं भाई, कॉलेज निकलते हैं। तो भाई 11 बज गए और फाइनली मैं कॉलेज जाने के लिए निकल गया हूँ। बस एक ही क्लास है, मैं फिर भी लेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब देखने लग गया था। वही बहुत गंदी चीज़ है यार ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स सबसे ज़्यादा, यूट्यूब फिर भी नहीं। मतलब यार यूट्यूब का ऐसा होता है वीडियो खत्म होगी चल उड़ जाएंगे, बट इंस्टाग्राम रील्स सबसे गंदी चीज़ लगती है मुझे। मतलब वो इनफाइनाइट लूप ही है टाइम वेस्टेज का, तो कम ही देखा करो भाई उसको। मैं भी अवॉइड ही करता पर हो जाता है कई बार। और यार आई गेस आज सिक्योरिटी ऑफिस भी जाना पड़ेगा भाई, अलग 3 बार हो चुका है, फिर से पेचेक दिया इन्होंने। डायरेक्ट डिपॉजिट पता नहीं क्यों नहीं दे रहे भाई, लास्ट पेचेक भी नहीं है, अभी भी एक पेचेक खड़ा हुआ है भाई मेरा वहाँ पे। मतलब मुझे लगा था ये वाला लास्ट होएगा, लास्ट इसलिए क्योंकि मैं रिज़ाइन मारूंगा, अभी किया नहीं है मैंने रिज़ाइन वैसे, बट हाँ मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ जल्दी वहाँ पे, शायद आज मैं रिजिग्नेशन अभी दे दूंगा। तो वो ये अभी भी एक पेचेक आना है 2 हफ्ते बाद, पता नहीं भाई क्यों डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं दे रहे हैं। मेरे को फिर जाना पड़ेगा आज वहाँ से अपना पेचेक उठाने। तो यही है, चलो पहले कॉलेज चलते भाई, मैथ्स की क्लास लगाए। सो मैं कॉलेज तो आ गया और भाई पता नहीं मैंने स्टोरी चेक नहीं की कॉलेज की। कॉलेज में डॉग शो है 12:30 तो बज गया, मतलब 2:30 बजे तक ही है वो। तो प्लान है क्लास बंक करने का, मतलब घंटा तो जाऊंगा, घंटा 1.5 घंटा थोड़ा पता लग जाएगा चल क्या रहा है, कि बंक मार के हम कुत्तों के साथ खेल लेंगे यार। मतलब ना जिनको नहीं पता भाई, मेरा कुत्तों के साथ मतलब एनिमल्स के साथ अलग ही प्यार है भाई। मतलब मेरे को जानवरों से डर डूर भी नहीं लगता ज़्यादा। और इंडिया में मेरे पास एक डॉग था जर्मन शेफर्ड, जो कि अब आई गेस क्या 12 साल का हो गया भाई अब, तो उसको मैं मिस करता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे खेल लूँगा थोड़ा डॉग्स के साथ, मन हल्का हो जाता है यार बेसिकली। तो आप एक बार घंटा क्लास लगाते हैं, उसके बाद फिर डॉग शो में चलते हैं। मतलब बेसिकली ना यहाँ पे जो बाहर के लोग होते हैं वो अपने पेट्स लेके आते हैं ताकि तुम उनके साथ खेल सको, इतना भी मतलब बेचारे साथ जाती नहीं कर पाते। जैसे मेरे इंडिया में था उससे साथ तो मैं जो मर्जी करता था, बेचारा दुखी भी बहुत होता था मेरे से, तो इनके साथ थोड़ा प्यार से रहना पड़ता है। तो चलो कोई ना घंटा क्लास लगाते हैं फिर चलते हैं। सुबह मैंने अपनी क्लास बंक कर दी मैथ्स की भाई, इतनी बोरिंग है, एक तो नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी बोरिंग क्लास, तो मैं सो ही जाता हूँ यार। मतलब देख लो 1:30 बजे प्लान था, 1:15 की बस होगी मेरी, मैं कहना इतनी बोरिंग भाई, ओहो मतलब गलती कर दी भाई। चलो छोड़ो यार, और एक दो काम भी अड़ गया भाई, आई गेस सिक्योरिटी ऑफिस जाना पड़ेगा पेचेक लेने, फोन तो आया था उनका, उठाया नहीं मैंने क्लास में था। तो पहले डॉग शो चलते हैं, मतलब कुत्ते से खेलने चलते हैं। तो मैं सब आ चुके हैं खेलने, और इसका नाम है जैस्पर, बहुत ही प्यारा क्यूट कुत्ता है। गंगा सिंह भाई आपका नाम क्या है? जॉली सुशीन। ओह भाई, और ये कुत्ता इतना ज़्यादा क्यूट है, बड़े सुस्त भी है थोड़ा। तो जैस्पर इसका नाम है, जैस्पर जैस्पर भाई सुस्त हो जा रहा है क्योंकि हम आए इतने टाइम बाद है। जैस्पर भाई, जैस्पर का रिएक्शन ही नहीं है कोई, जैस्पर भाई जैस्पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा बेचारा, दुखी हो चुका है। और भी है कि नहीं रेस्क्यू, लाइक रॉक्सी द रेस्क्यू। ओए मेरे ऊपर बैठ गया, ओए दूसरे कुत्ते पे चलता है यार, ये थोड़ा सुस्त हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा मेरी तरफ, देखना फिर लेट गया। हाँ ये फ्लफी तो बहुत है। तो वैसे हमें वैसे तो कुत्ता दे नहीं रहे, कहते एक बार हो गया तुम्हारा फिर से आओ, बट हम नाम भी नहीं लिख रहे, नाम भी नहीं लिख रहे, कहते जाओ अब क्योंकि टाइम हो चुका है, तो हम नाम भी लिखवा सकते हैं। तो हम आ ही जा रहे हैं भाई, हम कोई भी कुत्ते के पास आ जाते हैं, ऐसी उसका नाम पता नहीं हमें, तो हम ऐसे बीच में कहीं भी घुस जाते हैं यार, मतलब खेलना है हमें। तो देख लो भाई बहुत प्यारे डॉग्स हैं यार, और भी डॉग्स हैं मतलब, तो इससे तो हम खेल चुके हैं और भी उधर डॉग्स हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को हमारा। और 3 दिन ये चलेगा, मतलब डॉग थेरेपी वैसे स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी ऐसे चलेगी यहाँ पे 3-4 दिन, क्योंकि पेपर आने वाले हैं ना, तो लोग हमें स्ट्रेस देना नहीं चाहते। बढ़िया चीज़ है ना पाजी हमारे कॉलेज की है। हाँ बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, हम याद नहीं कर रहे, से हाय टू रॉक्सी। ज़्यादा हो गया नहीं और नहीं, बंदा गलत फीलिंग ले रहा है।
तो वैसे सिक्योरिटी जाने के लिए निकल ही रहा था और हमें कुछ दिखा बेलेसियों में आज फ्री में लंगर चल रहे छल्ली मिली भाई मैं तो 4 महीने नहीं मैं कुछ 6-7 हो गया अभी लेके आता हूँ उसके बाद निकलते हैं भाई लेट ही हो जा रहा हूँ मैं फाइनली यार निकल तो गया हूँ मैं और भाई बहुत लेट हो गया 2:20 हो गए हैं 3:30 पता नहीं पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा वहाँ पे थोड़ा लेट होगा सो गाइस फाइनली मैं टाइम पे तो आ गया था और पेचेक भी ले लिया बैग में रख लिया हो गया भाई सारा बट आपको एक फैक्ट बताता हूँ पेचेक बाद में आते हैं खर्चे पहले आते हैं देखो 31st हो गया आज ठीक है कल फर्स्ट है बस रेंट भरना है ऐसे ही होता है भाई कोई ऐसे मतलब चल रहा है और बस आज फाइनली आई गेस मैं रिज़ाइन कर दूंगा भाई रिज़ाइन अब लोग पूछेंगे तो क्यों कर रहा है यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है तो रिज़ाइन कर रहा है भाई सिंपल दो रीज़न है दो में से भी एक सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा रीज़न है मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ पहला तो यह कि यारिंग पे साइट ही नहीं है मेरे को 2 हफ्ते हो गए मैं काम पर नहीं गया हूँ ये तो चल साइड में रखो इससे मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता तो घंटे नहीं दे रहे भाई दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है भाई देखो अगर एम्प्लॉयर को कदर नहीं है ना एम्प्लॉय की भाई मुझे घंटे इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में काम करने का पता कैसे यार मेरे साथ ना एक बार हुआ ट्यूसडे को मेरी भाई मतलब मैंने साइड तो मना करी थी मैं करूँगा नहीं भाई मेरी बैक में हद गंदा पेन था मैंने मारी फिकॉल 4 घंटे पहले ठीक है बेसिक रूल है 4 घंटे पहले मैंने मारी फिकॉल पता क्या बोलते भाई धमका रहे एक तरीके से आगे भी काम करना है ना आप चुपचाप काम पे आ जाओ भाई बंदा सिक कॉल कर रहा है मतलब जेन्युइन सिक कॉल थी यार मेरी वो जेन्युइन थी सच में ठीक है ये नहीं मैंने कहीं और जाना था तो जेन्युइन सिक कॉल थी वो भाई जब तुम नहीं समझ सकते ठीक है तो मुझे सही में इंटरेस्ट ही नहीं है भाई मतलब तो फिर मैं कहा यार ना मेरा मन ही ख़त्म हो गया था और यार वैसे भी चल कुछ बातें ना बोली नहीं जा सकती बट बहुत कुछ सुना था मैंने मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो फिर बस आज मैं रिज़ाइन कर दूंगा अभी तक मैं इसलिए नहीं कर रहा था मेरे पेचेक आने थे अभी भी एक आने हैं बट मैं कहा आज मैं कर देता हूँ यार तो 2 हफ्ते का नोटिस भी देना पड़ता है क्योंकि प्रोबेशन ख़त्म हो चुकी है मेरी यहाँ पे तो बस अब मैं रिज़ाइन कर दूंगा आज में ही देखते हैं बाकी चलते हैं यार अब घर निकलते हैं फाइनली वापसी और आई गेस मैं मंदिर जाऊँगा क्योंकि मंडे है यार वही आपको पता सावन चल रहा है सुबह मैं जा नहीं पाया तो देखते हैं पहले दूध वगैरह लेते हैं फिर मंदिर भी हो जाते हैं यार मैंने वॉलमार्ट से दूध वगैरह तो ले लिया था बैग में रखा हुआ है और यार पता है कई बार मंदिर जाना इतना औखा लगता है ना भाई क्योंकि मेरे घर के आसपास बस सर्विस सब कुछ ज़्यादा ही अच्छी है मतलब वहाँ मतलब हर 5-7 मिनट में बस आती जाती है मुझे आदत ऐसी डली हुई है इस रूट पे आते आधे घंटे की ट्रेन से अभी 5 मिनट पहले बस निकल के गई है 25 मिनट अब वेट करना पड़ेगा फालतू में तो चलो कर ही रहा हूँ तो वैसे मैं घर तो आ गया हूँ और यार भाई आते मैंने सोचा था सुस्ता हूँ पर रूममेट आते कामों का बोझ डाल गया कहता कल लैंडलॉर्ड ने आना है क्योंकि फर्स्ट है वो रेंट लेने आएंगे कहता कल उन्होंने आना तो अपना घर साफ़ कर लियो भाई अपने हिस्से की सफाई कर लियो भाई औखा ही हो गया आपको इतना मतलब आलस आ रहा है ना करने में सुबह को उठाऊँ क्योंकि तो मेरे को वैसे नींद चढ़ी हुई है बट वो काम बोल के और समझ नहीं आ रहा कल बनाना क्या है क्योंकि सब्जी तो कोई घर में है नहीं है ख़त्म हुई पड़ी है भाई सोचा था फ्रूटी खाना जाऊँगा बट मेरा मन नहीं है जाने का तो कोई सब्जी है नहीं तो देखते हैं भाई आलू पड़े यार अब आलू के परौंठे बन सकते हैं वो मेरे को बनाने आते नहीं हैं भाई 7 महीने हो गए आलू के परौंठे नहीं खाए हैं मैंने बहुत औखा है यार मतलब मम्मी के आलू के परौंठों की याद आ रही है आज क्या वैसे भी आती है भाई कितना टाइम हो गया वैसे कोई सब्सक्राइबर को मेरे आते हैं आलू के परौंठे जो कि कैनेडा हो भाई इंडिया वाले बहुत मजे लेते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता हूँ ना इंडिया वाले बहुत मजे लेते हैं मेरे जो कि कैनेडा में हो जिसको आलू के परौंठे बनाने आते हैं प्लीज़ कमेंट करें या फिर मेरे को इंस्टा पर मैसेज करें खाते किस दिन भी आलू के परौंठे परौंठे आपके दही मेरा मजाक कर रहा हो यार तो हाँ यार कर देना मैंने आलू के परौंठे खाए बहुत टाइम हो गया चलो यार उठते हैं भाई पहले कुछ खाए पिए चेंज करें खाने में मेरा प्लान है मैगी बनाऊंगा मैं मैगी ले आया था मैं मैगी और कोक तो ये खाते पीते हैं उसके बाद फिर घर साफ करना शुरू करते हैं तो यार सुबह मैं बोल रहा था कि उम्मीद है भाई मेरा नाइट शेड्यूल सही हो जाएगा सपना टूट चुका है भाई उसका यार 7 बजे मैगी तो खा ली मैंने ठीक है मैगी खा के मैं थोड़ा सुस्ता रहा था सुस्ताते कब से हो गया पता नहीं लगा और 11:30 उठाऊँ मैं भाई अब तक चांस ही नहीं है मतलब कोई नींद आ जाए भाई रात को बहुत ही बुरा हो दुख हो रहा है मुझे अंदर से दुख हो रहा है अब क्या करूँ भाई मैं कोई तरीका सा नहीं लग रहा हो गया फिर से नेक्स्ट शेड्यूल खराब बस अब तो नींद आ रही नहीं है क्या कर सकते हैं भाई चलो एडिटिंग शुरू करते हैं एडिटिंग पड़ी और घर साफ करना पड़ा हुआ बस तो लेकिन यार सच में एक ही तो उम्मीद थी कि चलो हो जाएगा अब हो गया बताओ शाम को भाई चलो कोई ना भाई करते हैं काम अब यार रात के 2 बज गए और एडिटिंग मेरी हो गया अपलोडिंग में भी लगाया हुआ है और रेजिग्नेशन टाइप कर लिया भाई मैंने अपनी बस भेजने लगाऊँ हो गया भाई पहली रेजिग्नेशन कैनेडा की नहीं पहली नहीं है पहले मैंने एक बार रेड रॉबिन्स भी रिजाइन किया हुआ है बट वो रिटर्न नहीं था ये रिटर्न रेजिग्नेशन है तो आ जाओ इकट्ठे रिजाइन करते हैं भाई शुभ काम में देरी कैसी रिजाइन कर रहा हूँ शुभ काम कह रहा हूँ तो
इकट्ठे रिजाइन करते हैं भाई। मैं आपके आगे सेंड का बटन दबाता हूँ, देख लो ये रहा सेंड, ये रही मेरी रेजिग्नेशन। तो भाई ये रहा, आह आह हो गई भाई, फाइनली आई रिजाइन। तो देख लो भाई, ओहो मैं दुख भी नहीं है भाई कोई मेरे को, बट आज से मैं ऑफिशियली एक जॉब पे आ गया हूँ भाई। आई एम ऑन दी एम्प्लॉयड एट बॉक्सिंग पिज़्ज़ा। तो ढूंढते हैं एक और भाई, मिल नहीं रही है लेकिन सच में यार, फिर लोग बोलेंगे वही बात कर रहे हो भाई, सच में नहीं मिल रही है यार, लेकिन औखा हुआ हुआ है। चलो कोई ना भाई, ब्लॉक में यही एंड करना चाहूँगा क्योंकि अब झाड़ बुच्चा रह गया, मतलब सॉरी सफाई करनी है घर की। तो कल मिलते हैं, रात जागने का तो प्लान है ये भाई, 2:30 बज गए हैं, नींद तो आ नहीं रही है, क्या क्या करें, पढ़ते लिखते चलो यार और काम धंधा करते हैं। ब्लॉक में यही एंड करना चाहूँगा मैं, अभी की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्या बोल ली जा रहा हूँ मैं, ब्लॉग को यहीं एड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।